Hi guys, welcome to my channel Atti Cooks. Here I will show you a very easy ajwain aloo gobi recipe. This vlog is in Hindi. Please follow. Hello dosto, aaj hum banane wale hain aloo gobi. Ek quick aur simple recipe is lockdown ke liye jo ki perfect hai. To humne yahan pe ek gobi liya hai aur do chote aloo liye hain. Yahan pe teen chote pyaz कटे हुए और तीन टमाटर छोटे कटे हुए और यहाँ पे है अदरक और लहसुन, छह क्लव्स हैं लहसुन के और थोड़ा सा अदरक यहाँ पे देखिए बारीक कटे हुए हैं. हमने लिया है एक हम थोड़ा सा अजवाइन, ये अजवाइन हम डालेंगे एक टेबलस्पून और यहाँ पे है कश्मीरी मिर्च जो कि सिर्फ कलर देने के लिए है, वो भी एक टेबलस्पून और यहाँ पे है धनिया पाउडर जो एक टेबलस्पून डलेगा और यहाँ पे ये टर्मेरिक हल्दी पाउडर जो कि एक टेबलस्पून डलेगा और ये नमक है स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं और यहाँ पे दो चम्मच अमूल घी. तो आप अभी क्या करेंगे, आप एक कढ़ाई में तीन टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डालिए और इसे गरम कीजिए. तो अभी आप एक चम्मच अजवाइन डालिए. अभी आप एक चम्मच अजवाइन डालिए और आप डालिए अदरक लहसुन. और थोड़ा सा तलिए इसे ताकि अच्छा सा स्मेल आए. अच्छे से थोड़ा भुने मसाले, अच्छा स्मेल आ रहा है अभी अजवाइन का काफी. अभी आप यहाँ पे प्याज दीजिए, कटा हुआ प्याज. और तलिए प्याज, देखिए कैसे कलर इसका चेंज हुआ है. अभी आप देख सकते हैं कि प्याज का जो है कलर चेंज हो गया है. इसके बाद आप सारा टमाटर डालिए. दो टमाटर दिए हुए हैं इसमें, आप डालिए और अच्छे से भुने. अभी सारा अच्छे से भुन चुका है ये टमाटर और प्याज और बाकी जो हमने अजवाइन और डाला था सारा जिंजर गार्लिक का जो था वो सब कुछ अच्छे से भुन चुका है. ये ऐसा हो जाएगा. अभी हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर. अभी आप एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें. इसको आप अच्छे से भूनें, अभी मीडियम फ्लेम में भूनें. गोभी है और आलू है, इसमें इसे डाल दें और अच्छे से मिलाएं ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए. थोड़ा फ्राई होगा हल्का करके, आप पूरा मसाले के साथ ये फ्राई करें.
अभी आप थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालें। थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा पानी हम डाल रहे हैं क्योंकि ये नमक पानी में ऑलरेडी उबला हुआ है। इसे अच्छे से आप तले। आप इसे पकाएं अच्छे से, और अगर आपको थोड़ा पानी और डालना है तो आप और डालिए, यदि सूखा रखना है तो सूखा रखिए, और इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे ढक के पकाएं, 2-3 मिनट के लिए पकने दें। इजी आलू अजवाइन आलू गोभी रेसिपी तैयार हो चुका है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप ऑल ऑफ यू हैव अ लवली डे। थैंक यू।